तो फ्रेंड देखिए हमारे पास ये हीरो का मेस्ट्रो ईडीजी आया है देखिए, और इसका देखिए फ्रेंड इसमें मोबिल लीकेज का प्रॉब्लम हो रहा है, और जैसे आप गाड़ी को स्टैंड कर रहे हैं तो उस टाइम बहुत सारा मोबिल नीचे की तरफ गिर रहा है। तो फ्रेंड इसका रीजन हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी आपको। तो फाइनली फ्रेंड देखिए हम लोगों ने सॉकर की जो बोल्ट है इसको हम लोगों ने ओपन कर दिया, और ये जो मैग्नेट को वायर है इसको भी हम ओपन कर रहे हैं, और इसमें इसका जो वेल सील है ये वेल सील लीकेज हो गया, और इसका वेल सील को किस तरीके से लगाया जाता है मैं क्लियरली आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड देखिए इसका जो मैग्नेट वेल सील है ये लीकेज हो गया, और इसी के कारण क्या हो रहा था फ्रेंड देखिए ये सारे के सारे मोबिल वहां से गिरा है देखिए, और ये जो मैग्नेट है इसको हम पहले ओपन करेंगे, और एक कूलर की मदद से हम मैग्नेट को बाहर निकालेंगे। तो फ्रेंड देखिए देख के पता ही चल गया होगा आपका जो कितना सारा मोबिल गिरा हुआ है यहाँ पे। तो फ्रेंड देखिए ये जो वेल सील है ये वेल सील हमारा लीकेज हो गया, और ये वेल सील से हमारा ये जो मोबिल लीकेज का प्रॉब्लम है ये हो रहा है, तो इसको हम पहले निकाल लेंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। तो फाइनली फ्रेंड देखिए ये जो वेल सील है ये हमारा जो वेल सील है ये हमारा लीकेज हो गया, और इसी के कारण हमारा गाड़ी का जो इंजन ऑयल है ये लीकेज हो रहा है। जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था उस टाइम हमारा इंजन ऑयल जो है ये बाहर की तरफ आ रहा है, और ये हमारा फ्रेंड देखिए न्यू वेल सील है इसको हम लगाएंगे, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से आप साफ कर लीजिए। तो फ्रेंड देखिए हमारा जो वेल सील है ये पूरी तरह से फिट हो चुके हैं अभी। तो फ्रेंड देखिए ऐसा प्रॉब्लम अगर कोई किसी बाइक में होता है तो कोई मेरे मैकेनिक दोस्त ने क्या बता देता है, जिसका इंजन खोलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, लेकिन फ्रेंड देखिए आपको कोई इंजन खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से इसका जो वेल सील है इसको आप पूरी अच्छी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हमारा साइलेंसर की बोल्ट है इसको हम पहले टाइट कर लेते हैं। और ये हमारा सॉकर की बोल्ट है, हम लोग इसका जो सॉकर है इसको भी हम लोग सॉकर की बोल्ट भी ओपन किया था और साइलेंसर की ओपन कर लिया था क्योंकि काम करने में थोड़ा आसानी होगा। तो फाइनली फ्रेंड देखिए हमारा गाड़ी का जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुके हैं, और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड देखिए अभी हमारा गाड़ी जो है पूरी तरह स्टार्ट हो चुके हैं, और हमारा गाड़ी का जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।